गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 4 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जैसा कि आप जानते होंगे, प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि कॉन्सेंट्रेशन मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप है। कॉन्सेंट्रेशन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। और कॉन्सेंट्रेशन को कैसे हम लोग डिफाइन किए थे कि कॉन्सेंट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स। कॉन्सेंट्रेशन अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया है। और यह कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट मेथड से हम लोग करते हैं। देर आर वेरियस प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ओर्स एंड इम्प्योरिटीज। अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया बहुत है, लेकिन कौन सी प्रक्रिया को कहाँ हम लोग लागू करेंगे ये निर्भर करेगा कि अयस्क और उसमें वर्तमान अशुद्धि की प्रकृति कैसी है, किस नेचर का इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में डिवाइड किए हैं। और फिजिकल प्रोसेस जो बिना केमिकल के कंडक्ट होता है, जिसमें केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये फिजिकल प्रोसेस कई तरह का है। फर्स्ट देखेंगे हैंड पिकिंग मेथड, सेकंड ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, थर्ड मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस एंड फोर्थ वन इज फ्रॉस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसा कि कॉन्सेंट्रेशन आप जान रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ओर प्लस इम्प्योरिटीज, इस इम्प्योरिटीज को जब हम आउट कर लेंगे, इम्प्योरिटीज को ओर से हटा देंगे, तो जो हमको ओर मिलेगा दैट इज द प्योर ओर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमको कैसे मिलेगा, ओर से इम्प्योरिटीज को हम लोग रिमूव कर देंगे। यही ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है हैंड पिकिंग मेथड। ये हैंड पिकिंग मेथड क्या है? हैंड पिकिंग, जैसा कि नेम से पता चलता है, हैंड पिकिंग हाथ से चुनने की विधि है। ये हैंड पिकिंग मेथड हाथ से चुनने की विधि है। अयस्क से अशुद्धियों को हम हाथ से चुनकर हटाएंगे। इन दिस प्रोसेस, इन हैंड पिकिंग मेथड, इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओर्स सिंपली बाय हैंड पिकिंग। हाथ से चुनकर हम लोग हटाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम चुनते किसको हैं, किसको चुनते हैं, जिसकी मात्रा कम रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओर और इम्प्योरिटीज, सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड में हम लोग देखेंगे कि ओर और इम्प्योरिटीज यहाँ पर दिखाया गया है। इस ओर से इम्प्योरिटी अटैच्ड है। इस ओर को जिसको हमने जमीन के अंदर से निकाला है, इसमें इम्प्योरिटीज इसके साथ लगा हुआ है। अब जब तक हम इस इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं करेंगे, इम्प्योरिटीज को हटाएंगे नहीं, तब तक ओर को हम लोग फर्दर मेटलर्जिकल ट्रीटमेंट हम इसका नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स। यहाँ से इम्प्योरिटीज को हमको हटाना है ओर से। और कैसे हटाना है दिस, तो यहाँ पर हम देखेंगे हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से चुनकर इम्प्योरिटीज को ओर से हम लोग हटाएंगे। तो अभी अभी हमने कहा कि जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम लोग चुनते हैं। जैसा कि आप भी कुकिंग करते होंगे, निश्चित रूप से करते होंगे, तो चावल आप लाते हैं तो चावल से क्या चुनते हैं, चावल से कंकड़ चुनते हैं, कंकड़ से चावल तो नहीं चुनते हैं। और चावल से कंकड़ क्यों चुनते हैं, क्योंकि कंकड़ की मात्रा कम रहती है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओर और इम्प्योरिटीज में किसकी मात्रा कम है। यदि इम्प्योरिटीज की मात्रा कम है तो उसको हम लोग हाथ से चुनकर हटा देंगे। यदि ओर की मात्रा कम है तो उसको हम लोग
हाथ से चुनकर हटाएंगे, लेकिन उसी को हटाएंगे जिसकी मात्रा कम होगी। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट फिगर में आपको इंप्योरिटीज की मात्रा कम दिखाई गई है और सेकंड में और की मात्रा कम दिखाई गई है। तो बहुत वेरी क्लियर है, ये एकदम स्पष्ट है कि इंप्योरिटीज को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर हम लोग और को हटाएंगे। दिस इज हैंड पिकिंग मेथड। कभी कभी क्या होता है कि और इंप्योरिटीज एक दूसरे से इतना टाइटली अटैच्ड है कि हाथ से चुनने से ये नहीं हटेगा। वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हैमर का यूज करते हैं और हैमर से मारते हैं इसको, तो क्या होता है, इंप्योरिटीज अलग हो जाता है और ओर अलग हो जाता है। तो इंप्योरिटीज अलग हो गया और प्योर ओर अलग हो गया, इंप्योरिटीज हट गया तो प्योर ओर हमको मिल गया, प्योर ओर हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हैंड पिकिंग मेथड को हम लोग पूरा करते हैं। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इज डन फॉर ऑक्साइड ओर, हाइड्रोक्साइड ओर एंड कार्बोनेट ओर। ऑक्साइड ओर, हाइड्रोक्साइड ओर एंड कार्बोनेट ओर। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस हम ऑक्साइड ओर के लिए, हाइड्रोक्साइड ओर के लिए और कार्बोनेट ओर के लिए यूज करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस कैसे हम लोग करेंगे, आपको इसके पहले क्लास में बताया गया था कि ये जितने भी प्रोसेस है कंसंट्रेशन का, ये डिपेंड करेगा कि ओर एंड इम्प्योरिटीज का नेचर कैसा है। द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज। तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज। ये ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है ये किस पर आधारित है कि ओर एंड इम्प्योरिटीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंसेज होगा, दैट मीन्स उनके डेंसिटीज में डिफरेंसेज होगा। यहाँ पर क्या है कि इस तरह की ओर के लिए हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, ऑक्साइड ओर, हाइड्रोक्साइड ओर एंड कार्बोनेट ओर। क्यों हम इसी ओर के लिए पार्टिकुलर ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इन इस टाइप के ओर्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा रहता है और उसमें वर्तमान जो इम्प्योरिटीज है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ओर क्या है, ये हैवी है और इम्प्योरिटीज क्या है, ये लाइटर है, ये हल्का है। ओर भारी है और उसमें वर्तमान अशुद्धि जो है सो हल्का है। तो ये जब कंडीशन होगा ओर एंड इम्प्योरिटीज का, तभी हम ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग करेंगे, हाउ ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इज डन, कैसे ये होगा। सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे पाउडर्ड ओर। ये ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग विल्फ्री वॉशिंग टेबल एंड हाइड्रोलिक क्लासिफायर का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, इसको समझना बहुत ही आसान है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि आप कुकिंग करते होंगे और कुकिंग करने के क्रम में आप चावल धोते होंगे या दाल धोते होंगे, तो आप क्या करते हैं, किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में चावल या दाल लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं। जैसे ही आप चावल में पानी डालेंगे या दाल में पानी डालते हैं तो उसमें जितना भी डस्ट पार्टिकल रहता है वो ऊपर आ जाता है, डस्ट पार्टिकल ऊपर आ जाता है और आप पानी को गिरा लेते हैं, पानी को गिराते हैं, एक बार धोते हैं, दो बार धोते हैं,
जैसे जैसे ध्वनि की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आप ध्यान देंगे कि जिस पानी को गिराते हैं वह साफ दिखता है और डस्ट पार्टिकल कम दिखता है। पहली बार जब आपने धोया तो डस्ट पार्टिकल ज्यादा था, पानी ज्यादा गंदा था। दूसरी बार जब आपने धोया तो डस्ट पार्टिकल कम था और पानी उससे साफ था। तीसरी बार जब आप धो रहे हैं तब क्या देखेंगे कि पानी बिल्कुल ही साफ है और डस्ट पार्टिकल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पहली, दूसरी और तीसरी बार जैसे जैसे आपने धोने का स्टेप बढ़ाया तो क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल बाहर निकलता गया। और डस्ट पार्टिकल ही बाहर क्यों निकला, क्योंकि वो हल्का था और चावल और दाल जिसको आप धो रहे हो वो कंटेनर के बॉटम में सेट कर गया, कंटेनर के बॉटम में है, वो बाहर नहीं गया। तो सोचिए, चावल और दाल बाहर नहीं गया क्योंकि वो हैवी था और उसमें वर्तमान इम्पेरेटिव उसकी तुलना में हल्का है। यही सिद्धांत पर यहाँ पर हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो विल्फ्ले वॉशिंग टेबल से हम करें या हाइड्रोलिक क्लासिफायर से करें। विल्फ्ले वॉशिंग टेबल या हाइड्रोलिक क्लासिफायर, यहाँ पर आप देखेंगे कि विल्फ्ले वॉशिंग टेबल को दिखाया गया है इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक स्लोपिंग प्लेटफॉर्म है, स्लोपिंग प्लेटफॉर्म, स्लोपिंग समझ रहे हो ना, ऐसे एकदम ऐसे करके तेज, ऐसे स्लोपिंग प्लेटफॉर्म है। इस स्लोपिंग प्लेटफॉर्म पर क्या किया जाता है कि पाउडर्ड ओर को रख दिया जाता है। पाउडर्ड ओर, हमने ओर को क्रस्ट किया, ओर को क्रस्ट किया पाउडर फॉर्म में आ गया, और जब पाउडर फॉर्म में आ गया तो सिर्फ ओर ही तो क्रस्ट नहीं होगा, उसमें वर्तमान इम्पेरेटिव भी क्रस्ट होगा। फर्स्ट ओर इज क्रस्ट इनटू पाउडर एंड देन इट इज स्प्रेड ओवर स्लोपिंग हर्थ ऑफ विल्फ्ले टेबल। स्लोपिंग प्लेटफॉर्म पर हम लोग इसको क्या करते हैं, बिछा देते हैं। देन स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज पास्ट, पानी की तेज धारा हम इस पे प्रवाहित करते हैं, पानी की तेज धारा हम प्रवाहित करते हैं। और आप देखेंगे जैसे पानी की तेज धारा हम प्रवाहित करेंगे तो उस रनिंग स्ट्रीम के फोर्स से, उस पानी के फोर्स से क्या होगा, हैवी ओर्स सेटल्स डाउन इन द बॉटम ऑफ द ग्रुप। हैवी ओर्स सेटल्स डाउन इन बॉटम ऑफ द ग्रुप। हैवी ओर सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द ग्रुप, यहां पर हैवी ओर सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द ग्रुप। पानी की तेज धारा हम दिए तो ओर पार्टिकल, ओर पार्टिकल क्या है, ओर पार्टिकल हैवी है, तो ओर पार्टिकल हैवी है तो ये क्या हुआ है, इस ग्रुप में सेट कर गया। यहाँ पर देखेंगे आप, ब्लैक से ओर को दिखाया गया है और ब्लू से इम्पेरेटिव को। यहाँ पर ब्लू पार्टिकल जो है, ब्लू पार्टिकल यहाँ इम्पेरेटिव है और ब्लैक पार्टिकल जो क्या है वो ओर से। तो पानी की तेज धारा हम यहाँ पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि हैवी ओर्स ग्रुप में सेट कर जाता है, जो नीचे एक कंटेनर में है यहाँ पर जमा हो जाता है प्योर ओर्स। लेकिन लाइटर इम्प्यूरिटीज के साथ क्या हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पर लाइटर इम्प्यूरिटीज वॉश्ड अवे विथ वाटर। जो इम्प्यूरिटीज था वो हल्का था, इम्प्यूरिटीज हल्का था और पानी की तेज धारा के साथ, पानी की तेज धारा के साथ वह हल्का अशुद्धि बाहर चला गया। हल्का अशुद्धि कहाँ गया, लाइटर इम्प्यूरिटीज वॉश्ड अवे विथ वाटर एंड हैवी ओर सेटल्स डाउन इन द बॉटम ऑफ द ग्रुप। हैवी ओर उस पानी की तेज धारा के साथ नहीं गया, हैवी ओर ग्रुप में
सेट कर गया जिसको हमने कंटेनर में जमा कर लिया। तो इस तरह ओर एंड इंपेरेटिव सेपरेट हो गया, ओर एंड इंपेरेटिव सेपरेट हो गया और इंपेरेटिव बाहर चला गया और हमको प्योर ओर मिल गया। ग्रेविटेशन प्रेजेंट प्रोसेस को हम लोग लेविगेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। लेविगेशन प्रोसेस जब इंपेरेटिव को पानी की तेज धारा के साथ हम लोग ओर से बाहर कर दें, गैंग पार्टिकल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओर बाय रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड लेविगेशन प्रोसेस। लेविगेशन प्रोसेस भी हम लोग इसे कहते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा, हैंड पिकिंग मेथड एंड ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। और उसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इज डन फॉर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इज डन फॉर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर। कैसे हम कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट ओर इज क्रश्ड इनटू पाउडर, ओर इज क्रश्ड इनटू पाउडर, देन इट इज स्प्रेड ओवर स्लोपिंग हर्थ ऑफ विल फ्लेट टेबल। थर्ड स्टेप, रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर इज पास्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज पास्ट ऑन इट, व्हेन वाटर इज पास्ट देन हैवी ओर्स सेटल्स डाउन इन द ग्रुप एंड लाइटर इंपेरेटिव वॉश्ड अवे विथ वाटर। लाइटर इंपेरेटिव वॉश्ड अवे विथ वाटर। इन दिस वे ओर्स एंड इंपेरेटिव आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर, ओर्स एंड इंपेरेटिव आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर। और यही हमारा एम भी है, यही हमारा लक्ष्य भी है कि यहाँ पर ओर को इंपेरेटिव से अलग कर देना है, जो हो गया, जो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस एंड फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके, थैंक यू।